सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं की बदहाली का इससे बुरा आलम क्या हो सकता है, जब सीहोर जिले के सरकारी अस्पतालों में 40% डॉक्टरों के पद पिछले 2 दशकों से रिक्त पड़े हैं। जनता जनार्दन को मुंह चिढ़ाते नजर आ रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल मरीजों को भगवान भरोसे इलाज करने पर विवश कर रहा है। शायद यही वजह है कि जिला अस्पताल में मोर्टिलिटी दर लगातार बढ़ रहा है। नसरुल्लागंज से संतोष मीणा की रिपोर्ट, आज की आवाज़। बताइए, क्या नाम है आपका? बशारत खान। कहाँ से आए आप? मुंडला कला से। किस तरह की परेशानी आ रही है अस्पताल प्रशासन को लेकर? हमारे पास जो है मरीज है, मरीज के पास आराम नहीं हुआ, डॉक्टर सही टाइम पे आ नहीं रहे ना, डॉक्टर है मतलब यहाँ पर डॉक्टरों की कमी लग रही है। डॉक्टर की कमी है और दिमाग का डॉक्टर कमी है। कब से परेशान हो रहा है आप? 2 रोज हो गए। जो ट्रामा सेंटर बना है सीहोर के अंदर, उसमें डॉक्टरों की काफ़ी कमी है। सत्य बात है कि डॉक्टरों की कमी है। मेरे द्वारा पूर्व में भी लिखा गया है डॉक्टर की उपलब्धता के लिए और नई नियुक्तियों के लिए। अभी मैं पिछली बार भी गया था और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अतिशीघ्र माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर इस समस्या का समाधान करवाऊँ, क्योंकि इतनी अच्छी हमारी ट्रॉमा सेंटर बन गया है, हॉस्पिटल की जो बिल्डिंग है बन के तैयार है और जनता की सेवा में है, पर डॉक्टरों की कमी की वजह से कुछ कमी आती है जो अतिशीघ्र पूर्ण करी जाएंगी। 72 साल पहले जो पॉपुलेशन थी उसके हिसाब से यहाँ पर डॉक्टर्स की पोस्टिंग थी, जगह की उतनी उपलब्धता थी, सभी कुछ होता था, लेकिन अभी पॉपुलेशन भी कई गुना बढ़ गई है और स्थान सीमित थे, इसलिए ट्रॉमा सेंटर और MCI बिल्डिंग बनी हुई है। डॉक्टर्स भी उसके अनुपात में बढ़े हैं, लेकिन जितना पॉपुलेशन है और लोगों के बीच में अवेयरनेस है उपचार को लेके, उस हिसाब से डॉक्टर्स की यहाँ कमी है, क्योंकि इस ट्रॉमा सेंटर में करीब 35 डॉक्टर्स की पोस्ट सेंक्शन है, जिसमें से 24 खाली हैं, जिसमें विशेषज्ञ और MOs जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया या ज्वाइन करके वो चले गए हैं और लंबी छुट्टी पर चले गए हैं या उनका पता नहीं कहाँ चले गए हैं। तो ऐसे दशा में जो उपलब्ध डॉक्टर्स हैं उससे अस्पताल को चलाना होता है। साथ में ये भोपाल के निकट ये जिला है जिसमें BIP प्रातः रोज ही कोई ना कोई BIP आता है, जिसमें एक विशेषज्ञ उनको उनके स्थान पर छोड़ने और दूसरा उनके वापसी में उनको लेने चले जाता है। फिर यहाँ आए दिन कोर्ट डॉक्टर्स को जाना पड़ता है। फिर जिले भर में जो कैंप लगाने होते हैं उस कैंप में भी डॉक्टर्स जाते हैं। तो इस वजह से OPD में जितनी उपलब्धता डॉक्टरों की होनी चाहिए वो नहीं हो पाती है। हमने शासन को इस उनके संज्ञान में लाए हैं, बार बार लेटर लिखे हैं और कुछ डॉक्टर्स की पोस्टिंग भी की है, लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। जैसे हमें डॉक्टर्स अधिक से अधिक उपलब्ध होंगे, सुविधाएं उसी हिसाब से अच्छी होती चली जाएंगी, ये विश्वास चलाते हैं।